हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी। सो गाइस, मैं हूँ नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे कि आप सबकी प्रॉब्लम थी कि स्किन पर काफ़ी सारे रोए हो जाते हैं और उसको हम लोग वैक्स के द्वारा क्लीन नहीं कराना चाहते, ऐसे काफ़ी लोग मुझे कमेंट में बोल रहे थे कि हमें पार्लर में जाकर जो है वैक्स नहीं करानी। मैम कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे जो हमारे बेबी हेयर्स हैं वो आसानी से निकल जाए। तो गाइस, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गूगल पर, कुछ आप लोगों के लिए कोई ऐसी वीडियो मुझे मिले जिससे मैं अच्छे से आप लोगों के लिए तैयार कर सकूँ। तो मुझे एक ऐसा वीडियो मिल गया और मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करना चाहती हूँ गाइस। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शरीर के अनचाहे बालों को हटाने का बहुत ही बेहतरीन वीडियो आज मैं लेकर आई हूं, जिससे आपकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको थ्रेडिंग या वैक्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सभी की चाहत होती है कि हमारा चेहरा चांद जैसा सुंदर हो, इसमें किसी तरह के अनचाहे बाल ना हो, दाग धब्बे ना हो। तो चलिए जानते हैं वो बाबा जी का नुस्खा जिसे यूज करके हम अपने चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा सकते हैं। जैसी दवाई खाओ स्वस्थ रहो, जैसी दवाई खाओ और स्वस्थ रहो। तो इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। गेहूं का आटा बहुत ही बढ़िया रहता है हमारी स्किन के लिए, और ये जो हम पैक बना रहे हैं इसे आप अपने चेहरे के अलावा हाथ पैरों पे लगा सकते हो, अपनी गर्दन पर, पीठ पर भी लगा सकते हो। नेचुरल चीजों का यूज कीजिए, केमिकल से बचिए। तो यहाँ पर देखिए, एक चम्मच आटा ले लेंगे और इसको एक बाउल के अंदर हम निकाल लेंगे। ये जो पैक है ना, आप सर्दी गर्मी बरसात किसी भी मौसम में यूज कर सकते हो, पूरी तरह से सुरक्षित है, किसी भी तरह का नुकसान ये आपकी स्किन को नहीं देने वाला है। अगर आपकी त्वचा ऑयली है तब भी आप इसको लगा सकते हो, अगर ड्राई है तब भी आप इसको लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया पैक है। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी जो चीज मैंने ली है वो है चावल का आटा। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो थोड़ा सा चावल लीजिए, मिक्सी में उसे अच्छे से पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको छान लीजिए, छान कर आपको उसका आटा मिल जाएगा। छानने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसको हम अपने चेहरे पर लगाएंगे, ठीक है, जहाँ भी अनचाहे बाल हैं उन्हें लगाएंगे। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप इसको होठों के ऊपर लगाएं और इसके बाद इसको जब छुड़ाएंगे ना हम, तो थोड़ा सा रगड़ देकर छुड़ाना पड़ेगा, तो आपकी स्किन में कोई भी किसी भी तरह की क्रोच वगैरह आ जाए, इसलिए आटे को छानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर चावल का आटा, क्योंकि ये थोड़ा सा खुदरा होता है। और इस तरह से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब हम अपनी स्किन पे इसे लगाएंगे तो हमारी जितनी डेड स्किन है वो भी निकलेगी, साथ ही हमारे जो अनचाहे बाल है वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए, बढ़िया से हमने इसको यहाँ पर मिक्स कर लिया है। और अगली जो चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वो है यहाँ पर कच्चा दूध। जी हाँ, कच्चा दूध लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपने उसको उबाल लिया है तो उसको आप ठंडा करके भी ले सकते हो। वैसे कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें तो आपकी स्किन के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया है। तो थोड़ा थोड़ा सा आप दूध लेते जाइएगा और इसका हमें पेस्ट बनाकर तैयार करना है, बहुत पतला पेस्ट हमें इसका नहीं बनाना है। तो दो चम्मच मैंने डाला है और इसको अच्छे से मैं क्या करूँगी, मिक्स कर लूँगी। इसमें जो हमने चावल का आटा मिलाया है ना, वो हमारी त्वचा में कसाव लाएगा, टैनिंग को दूर करेगा, झुर्रियों को दूर कर देगा। हम लोग महंगे महंगे स्क्रब लेके आते हैं और लेकिन आपको पता है कि बहुत ही बढ़िया स्क्रब आप अपने चावल के आटे से ही तैयार कर सकते हो, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बस चावल का आटा ही लीजिए और चेहरे पर ऐसे ही पानी डालकर आप जब रगड़ोगे ना तो आप देखोगे सारी डेड स्किन ये जो है निकाल देता है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह का पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा पतला करूंगी जिससे हमारी स्किन पे जब हम इसको लगाएं तो अच्छे से वो लग जाए। एक तरह से आप कह लीजिए इसका एक चिपचिपा सा पेस्ट हमें बनाकर तैयार करना है। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लिया है, बढ़िया इसको फेंट लिया है और ये इस तरह के चिपचिपा पेस्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसमें डालने वाली हूँ नारियल का तेल। आप चाहे तो इसकी जगह सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। ये हम सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि हम जब इसको इसकी अपनी स्किन पे लगाएंगे और इसके बाद जब इस पैक को छुड़ाएंगे तो इसे छुड़ाने में हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आराम से जो पैक हम लगाएंगे वो छूट जाए। तो बस दो चार बूंद ही डालेगा और बढ़िया से इसको मिक्स कर लीजिएगा। नारियल का तेल तो हमारी स्किन के लिए वैसे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। और अब जो हम अगली चीज यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो है चीनी। चीनी को डालने के बाद अच्छे से हम क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। तो लगभग एक आधा चम्मच चीनी आप ले लीजिएगा, ठीक है। हमेशा की तरह रेमेडी ये ऐसी होती है, इनमें अगर कोई चीज थोड़ा कम बढ़ भी हो जाती है तो बिल्कुल नुकसान देने वाली चीज नहीं है, एकदम नेचुरल है, इन्हें हमने घर पर घर की चीजों से तैयार किया है तो नुकसान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अच्छे से आप मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर में आप देखेंगे जो आपकी चीनी है पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो ये हमारा बढ़िया सा पैक बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हो किस तरह से चिपचिपा बनकर तैयार हुआ है। चलिए किस तरह से लगाना है ये मैं बता देती हूँ। तो आप इसे लगाइए उस जगह पर जहां पर आपके काफी बाल है, जैसे कि होठों के ऊपर हम क्या करते हैं, थ्रेडिंग वगैरह करवाते हैं, वैक्स करवाते हैं, लेकिन ये जो काले काले बाल है ना बहुत ही जल्दी दोबारा वापस आ जाते हैं। तब आप इस पैक को यूज कीजिए, सप्ते में दो तीन बार ही आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके यूज करने से ये जो बाल है इनकी ना जड़ें कमजोर हो जाएंगी और कमजोर होने के बाद वो टूट जाएंगी और धीरे धीरे क्या होगा ना, आप अगर इसको यूज करते रहेंगे तो फिर वो आना ही बंद हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने हाथ पैरों पर भी इसको लगा सकते हैं और बाद में जब आप इसको रगड़कर छुड़ाओगे तो सारे के सारे जो बाल है वो छूटकर निकल जाएंगे। पहली बार में तो देखिए सारे के सारे नहीं निकलेंगे, आपको दो तीन बार इसको यूज करना पड़ेगा, इसके बाद ही आपको इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया है और लगाने के बाद इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, लगभग 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए, जिससे ये ना हल्का सा सूख जाए, जिससे जो बालों की जड़ें हैं ना उसमें ये अच्छे से समा जाएगा और जब हम इसको छुड़ाएंगे तो साथ ही साथ जो बाल है ना अनचाहे वो भी छूट के आएंगे। तो इसमें हमने चीनी मिलाई है जिसकी चाशनी से एकदम ये चिपचिपा हो गया है और जब हम इसको निकालेंगे ना इस तरह से, ये देखिए, तो यहाँ थोड़ी देर हो गई थी, इसके बाद आपको इस तरह से ऊपर की ओर निकालना है, ठीक है, नीचे की ओर नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मैं छुड़ा रही हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको छुड़ाना है और जितने भी आपके यहाँ पर बाल रहते हैं जिन्हें हम निकालने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है वो आप देखेंगे धीरे धीरे से करके सारे के सारे टूटकर और गिर जाएंगे। हम पार्लर जाते हैं और पार्लर में जाकर वैक्स कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, ठीक है, इससे हमारे पैसे भी खर्च होते हैं, टाइम भी खराब होता है, लेकिन इस तरह से छोटे छोटे उपाय जो है घरेलू नुस्खे हैं उन्हें अजमाइए और आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, समय भी बचा सकते हैं। और जब इस पैक को आप लगाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि कितना अच्छा रिजल्ट देता है। इसी तरह से कान के आसपास भी किसी लोगों के बहुत ज्यादा बड़े बड़े से बाल रहते हैं, खासकर लेडीज के तो बहुत ही बुरे लगते हैं वो, तो आप क्या कीजिए इस तरह से वहां पर भी आप लगा सकते हो, इसी तरह से हाथों पे भी इसको लगा सकते हो, आईब्रो के पास भी इसको लगा सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। तो सारा पैक छुड़ाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा बचा है, इसको मैं इस तरह से जो है रगड़कर छुड़ा दूंगी और आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कितने अच्छे से छूट गया है और इसी तरह से सारे बाल भी आपके जो है टूट कर नीचे गिर जाएंगे, स्किन भी यहाँ की बहुत ही ज्यादा साफ हो जाएगी। देखिए आप पर खुद ही देख पा रहे होंगे जहां पर भी मैंने ये पैक लगाया था वहां की स्किन देखिए और जो पीछे की है स्किन आप वो देखिए। तो इसको ट्राई जरूर कीजिएगा तभी आपको इसके अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मैंने सारा का सारा छुड़ा लिया है और इसके बाद फिर आपको क्या करना है, ठंडे पानी से इसको अच्छे से धुल देना है। तो देखिए सारा का सारा यहाँ पर जो पैक है अच्छे से छूट गया है, कोई भी ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी है। तो चलिए मैं धुल लेती हूँ, फेस पे दिखाती हूँ और इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो गाइस कैसी लगी आप सब लोगों को ये रेमेडी, अच्छी लगी तो ट्राई करें, ट्राई करने के बाद में मुझे रिजल्ट बताएं कि बेबी हेयर्स के लिए कैसा रिजल्ट आया है।
क्योंकि मैं इतना तो कह ही सकती हूँ कि हार्ड हेयर धीरे धीरे निकल जाएंगे, बट जो बेबी हेयर्स होते हैं वो इस तरीके की रेमेडी के साथ अगर आप करते हैं, इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे रिमूव होने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अपनी जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं बेबी हेयर्स को लेके, तो मैं उनमें बताती हूँ कि आप हफ्ते में कम से कम आप 2 से 3 बार ये रेमेडी करेंगे तो धीरे धीरे आपके बेबी हेयर्स रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे गाइज। सो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय गाइज, टेक केयर।